चालू है। तो अगर आपने कभी भी स्कर्दू आना हो और आपने मुनासिब पैसों में एक अच्छी जगह रहना है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अर्बन गेस्ट हाउस, जिनके यहाँ पे कैंप्स वगैरह भी हैं। ये सीन है, बाहर लॉन भी अच्छा सा, बैठ के आप धूप में नाश्ता वाश्ता करें। ये पार्किंग की जगह, गाड़ी सेव आपकी रहेगी। और यहीं पर शहतूत के और सामने खुबानी के दरख्त हैं, जितने मर्जी हैं तोड़ के खाते रहें सारा दिन, कोई मसला नहीं है इसमें। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छे तरीके से डील करेंगे। अर्बन गेस्ट हाउस बेहतरीन है जी। आज की हमारी लारी, इस में जाएंगे हम लोग देवसई। तो देवसई जाते हुए ये आता है पहला स्टॉप, इसको कहते हैं सतपारा डैम लेक, जो भी आप बोल दो। ये सतपारा गांव में है। ओके, तो सतपारा डैम तो हम लोग देख चुके हैं, ये भी अहताबाद लेक की तरह ही बड़ा खूबसूरत है। सतपारा ब्रिज यही है भाई? नहीं, यहाँ पे हमने एंट्री करवानी है, एंट्री फीस वगैरह देनी है, फिर आगे देवसाई की तरफ हम गामजन हो जाएंगे। वो जो कोयटा वाले 5 बंदे थे, तो हम लोग भी शुरू में सोच रहे थे कि हम लोग देवसाई जाते हैं ना अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, लेकिन हमें जो हमारे गेस्ट हाउस वाले भाई थे उन्होंने कहा कि रास्ता बहुत ख़राब है और इन्हीं दिनों कोई वाकया हुआ था, कोयटा से कोई गाड़ी आई थी इधर गिरी है नीचे, बिल्कुल कुचुम्बड़ बन चुका है, रोड बहुत ख़राब है। तो अच्छी बात ये कैसा कि कोई बड़ी गाड़ी बुक कराने बेहतर ही है, तो हमारा डिसीजन सही निकला, बड़ी ख़तरनाक खाई है उधर। तो अब हम देवसाई के नेक्स्ट स्टॉप पर आ चुके हैं, अली मरिक टॉप, मेन स्पॉट तो ये है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश, कैफे शैफे हम ज़रा वो पसंद नहीं करते, हमें ज़रा अकेले पन में मज़ा आता है, और इधर शुगर पगले आने में और चस होती है। यहाँ पे खुले घोड़े भी जंगली फेर रहे थे, यहाँ पे वो देखें बकरियाँ शकरियाँ। कासिम भाई कोई रिव्यू दो, कैसा है इंजन? रिव्यू है भाई जान, इंजन तो अच्छा, लेकिन पहले पिछले गियर में गाड़ी चलती है तो गर्म हो जाती है, तो इसको पानी डालना पड़ता है? नहीं नहीं, इसको भी स्टार्ट रखेंगे। अच्छा, 5-10 मिनट रखेंगे उसके बाद इसका पानी। ये यहाँ पे देव साहिब में फिर रहे जी चांद पहल, इसको मैं समझ रहा था कि ये यॉर्क है, लेकिन भाई ने बताया यॉर्क नहीं है, ये लोग बैल है यहाँ पे लेकर आते होते हैं। के बड़े पास पास डर ही लगा रहता है कि पीछे चार्ज करके ट्रैक ही ना करते। गर्मी है लेकिन यहाँ पे जो ठंडी हवा चल रही है ना, हमें अपर्स वगैरह निकालने पड़े हैं, ठंड है काफ़ी, रात को तो कहते हैं यहाँ टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ट्रैक है ना यार, हर पॉइंट पे इतने मज़े की जगह है, वहाँ पर रुकना पड़ता है। मुझे यहाँ पे वाइल्ड फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आई। इतनी फिट जगह है, लेकिन यहाँ पे ना ये रोल है बड़ा हमारे लोगों का। फुल ऑफ रोडिंग
क्रिस्टियानो रोनाल्डो चुके हैं बड़ा पानी के स्पॉट पे। इसके बाद काला पानी है, यहाँ पे एक सस्पेंशन ब्रिज भी है। भाई को हमने बोला आप गाड़ी लेके जाएं, हम आगे से आते हैं। एक तो शेक भी बहुत करता है, ऊपर से ऐसे फीलिंग आती है जैसे ये यूज करता है। क्या बात है जी, क्या बात है। रुक जा, ये देखें जरा, कंटेंट के चक्रों में आज जरा जख्मी कर दिया। एक तो खुश्की भी बहुत है, हाथ पैर ड्राई, हॉर्न ड्राई, चैपस्टिक भी भूल गया। अब हम पहुंच चुके हैं जी काला पानी। बॉय ने जरा वॉशरूम से होके आना था, इनको पहले बोलते हैं सफर से निकलने से पहले होके आना चाहिए। इनको छोटे बच्चों की तरह क्यों मॉडल, इनको छोटे बच्चों की तरह बताना, बच्चे ही है ये बिल्कुल। दरमियान में मामा साथ ना हो तो नहीं समझ आता। ये हमारे गेस्ट हाउस वाले भाई ने फ्रेश खुबानियां चुन के हमें निकाल के दी थी आगे दी, और सही में जाके खाना। फाइनली देवसई के आखिरी स्पॉट श्योसर लेक पे पहुंच चुके हैं, और आप ये देवसई का चेक करें व्यू। बाकी रूफ ऑफ द वर्ल्ड इस हाइट पे तो नहीं मिलती इतने ज़्यादा प्लेन्स, लेकिन ये देखें ना क्या लेक है यार। हाय हाय, लेक के पास सही चिलिंग शिलिंग करके हम सोच रहे हैं अब निकलते हैं वापस। बहुत देख लिया लेक, एंजॉय तो कर लिया हमने। यहाँ पे एक तो कीचड़ हर जगह इस तरह का है, मिट्टी भी सॉफ्ट सी है, ये चेक करना। देव सही ऐसी जगह है ना, यहाँ पे कड़क धूप और ठंडी हवा चलती है, बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन, लेकिन इतना खूबसूरत है ना, यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। हम इस होटल में पता करने आए थे यहाँ की कढ़ाई अभी मिलेगी कि नहीं।
पीछे हम रुके थे जॉक की कढ़ाई खाने के लिए, लेकिन जॉक की कढ़ाई तो नहीं मिली। वो कह रहे थे जॉक वगैरह अगस्त में आते हैं, वो अभी आगे ऊपर गए होते हैं, तो इस मौसम में तो जॉक नहीं मिलेगा। चलो कोई नहीं, नसीब में हुआ तो खा लेंगे। फिलहाल चाय पकौड़े से गुजारा कर रहे हैं देव सही में। Thousand years later. काफी दिनों से स्नूकर मिस कर रहे थे और अब स्कर्दू सिटी में हम स्नूकर खेलने आ चुके हैं।